वैसे सलमान भाई की जो मूवी आ रही है उससे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो उसके ट्रेलर देखा है उसके हालात देखकर पता चल रहा है कि मूवी कैसे होने वाली है। लेकिन उस मूवी के ट्रेलर से एक चीज़ मुझे फ़ायदा हो गई कि मुझे वो मूवी पता चल गई जिसके ऊपर राधे मूवी बेस्ड है, यानी राधे मूवी जिसकी कॉपी है। आज के इस वीडियो में बात करूंगा द आउटलॉज मूवी के बारे में, जो एक कोरियन मूवी है, 2017 में आई थी। और ये मूवी रियल इंसिडेंट के ऊपर या रियल इवेंट्स के ऊपर आधारित है। और एक तरीके से समझो राधे मूवी है वो इसका एक सस्ता वर्जन है, द आउटलॉज का एक सस्ता वर्जन राधे मूवी है। और इवन राधे मूवी के अंदर जो डांस किया सलमान भाई ने वो भी तक कॉपी किया गया है, साउथ की इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के जो उन्होंने डांस किया था उसी का वो कॉपी है। तो अब यार इनसे उम्मीद भी क्या रखेंगे। खैर छोड़ो छोड़ो, मूड खराब नहीं करते हैं, इतनी अच्छी मूवी देखी उसी के बारे में बात करेंगे। तो आउटलॉज जो मूवी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रियल इंसिडेंट के ऊपर आधारित है, जो रियल इवेंट हो चुके थे उनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। 1990 में चाइनीज लोग कोरिया में आकर बस गए थे, कुछ चाइनीज लोग कोरिया के साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल में आके बसे थे। उन्होंने अपनी एक छोटी सी जगह बनाई जिसका नाम उन्होंने चाइना टाउन दिया। तो इस 1990 के टाइम में दो गुट निकल के सामने आए जिन्होंने अपनी अपनी एक गैंग बनाई, लड़ाई की। तो 1990 में तो बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन आते आते एक पीक लेवल आता है 2004 के अंदर। वहां पर एक और नया एक इंसान जो है वो चाइना से साउथ कोरिया में आता है, अपनी एक नई गैंग बनाने आता है। और बहुत इसका जो आप फेस देखो, आप इसकी फाइटिंग देखो, जिस तरीके से इसको दिखाया गया बहुत भयानक है। मतलब किसी को मारने में भी हिचकिचाता नहीं है। और इस वक्त जब ये आता है तो कत्लेआम बहुत ज़्यादा मचा देते हैं। और इसके बाद साउथ कोरिया की जो पुलिस है वो ये डिसीजन लेती है कि यार ये सारे के सारा जो माफिया है, जितने भी गैंगस्टर है, इनको खत्म किया जाए। और फिर वहां पर ये एक मिशन शुरू करते हैं। भले ही साउथ कोरिया के बारे में आप ना जानते हो, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर वहां का सिस्टम कैसा है, वहां की गैंग कैसे काम करती है, कुछ भी ना जानते हो, लेकिन ये मूवी की शुरुआत के कुछ टाइम आप इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो इसमें, तो सच कहूं इतना ये इंटरेस्ट क्रिएट कर लेगी कि आप बाकी की मूवी देखे बिना रह ही नहीं पाओगे। इस मूवी के अंदर एक पुलिस ऑफिसर है और उसका नाम तो मुझे याद नहीं है क्योंकि यार बड़ा अजीब सा नाम था। बात इसलिए करनी है क्योंकि वो मेन हीरो है। अब जब आप उसको देखोगे तो उसका लुक, उसका चलने का तरीका सारा का सारा आपको सलमान भाई की याद दिला देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कॉपी किया, वो तो ओरिजिनल है, कॉपी तो हमारे वाली है। तो ये जो उनका स्टाइल है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, जो उनका एक क्रिमिनल को हैंडल करने का तरीका है बहुत बढ़िया लगा। इंडियन की मतलब जो इंडियन सिनेमा है उसकी याद दिला दी, या इंडियन पुलिस सिस्टम की मुझे याद दिला दी जो वहां पर मैंने देखा, बहुत बढ़िया मुझे लगा। यार ऐसा जानवर, जानवर तो क्या मतलब, ऐसा इंसान जो एक थप्पड़ मारे तो बंदे को सुला दे, एक्चुअल में बहुत जबरदस्त करेक्टर लगा मुझे वो। वैसे एक चीज मुझे इस मूवी के अंदर काफी ज्यादा पसंद आई वो ये कि इसके अंदर जितने भी गैंगस्टर या जो भी माफिया थे वो लड़ने के लिए कोई भी गन यूज नहीं कर रहे, किसी के पास भी सिंगल कहीं पर भी गोली तक नहीं चली। उन्होंने जो लड़ाई की वो छोटे छोटे चक्कू ले रखे थे या फिर छोटी छोटी कुल्हाड़ियां ले रखी थी, उसी पे वो मारे जा रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को। और इवन चलो गैंगस्टर के पास नहीं है इतने रिस्ट्रिक्शंस होंगी यहाँ साउथ कोरिया के अंदर भैया गैंगस्टर के पास, यहां तो भाई साहब पुलिस तक के पास भी नहीं है, पुलिस भी गैंगस्टर्स को पकड़ने जा रही है तो लोहे के बिंडे लेके लेके जा रही है ताकि उनसे उनको मार सके। मतलब यार तुम एक काम करो, भारत आओ, भारत के उत्तर प्रदेश में आओ, तुम्हें गैंगस्टर बनना है तो देखो यार उनसे सीखो कुछ, वो तुमको ट्रेनिंग व्रेनिंग देंगे कि कैसे काम करते हैं, कैसे कट्टा कुट्टा बनाया जाता है, तो बहुत अच्छे से वो ट्रेनिंग लेके जाएंगे। इवन मैं तो कहता हूँ यहाँ से लेके जाओ तुम लोगों को, मतलब जो अच्छे से कट्टा बना सकते हैं वो बढ़िया सा एकदम सिस्टम बना के देंगे तुमको। ये क्या कुल्हाड़ी छोटे छोटे चक्कू से लड़ रहे, खैर मजाक कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा था वो जो उन्होंने चक्कू का वो सीन जो दिखाया, छोटी छोटी कुल्हाड़ियों के द्वारा दूसरों को मारना। इवन इसका जो स्टार्टिंग का जो सीन था जिसके अंदर तीन बंदे, एक बंदा जो उनको धमकी दे रहा होता है, जिस तरीके से भाई साहब वो उसको चाकू से काटते हैं, कुल्हाड़ी से काटते हैं, मैंने उस सीन को लगभग 3 बार मैंने उसे देखा होगा कि इतना बढ़िया मुझे लगा। मतलब मार काट में नहीं, मतलब जिस तरीके से वो डायरेक्ट किया गया है, शूट किया गया, वो काफ़ी अच्छा था। वैसे एक बात है, इस मूवी के अंदर कोई सस्पेंस तो है नहीं, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही इस मूवी की कहानी के बारे में डिस्कस करते हुए, और ऐसा भी डर नहीं लग रहा कि मैं कोई भी स्पॉयलर दे दूंगा। और बाकी मूवीज़ में ऐसा होता है लेकिन इस मूवी में ऐसा नहीं है, जो रियल इंसिडेंट है वही आप इसमें देखने वाले हो। थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दी। और अब इस मूवी की परफॉर्मेंस में बात करूँ तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन बहुत बढ़िया है, आपको कहानी भी अच्छी लगेगी। और वल्गैरिटी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी वल्गैरिटी नहीं है, लेकिन वॉयलेंस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो आप अपना देख लेना। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 7.5 आफ्टर 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, अब आप सोचेंगे कि हिंदी में मिलेगी, हिंदी में नहीं, हिंदी में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी ये, इवन हिंदी छोड़ो इंग्लिश में भी नहीं मिलेगी, इंग्लिश सबटाइटल के साथ काम चलाना पड़ेगा। वैसे काम चला
डालोगे अगर आप लोगों का इसका इंटरेस्ट बन गया तो। मेरा तो बन गया था यार स्टार्टिंग, सच में ऑनेस्टली बन गया था। तो जिन्होंने नहीं देखी, आपको एक ओरिजिनल मूवी देखनी है, राधे मूवी जिसकी कॉपी है, मतलब जिसकी कॉपी क्या, राधे मूवी जो कॉपी है इस ओरिजिनल मूवी की, तो आप देखना चाहते हो कि एक्चुअल में ओरिजिनल मूवी क्या होती है, तो जाकर इस मूवी को देख लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।